हेलो जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने व्हीकल मैकेनिक की स्पेशल जो बुक है उसकी पीडीएफ का पहला पार्ट हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया गया है। जाके वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई करो उसमें से। तो उसमें से थ्योरी आपको पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के बाद में उसमें 200 एमसीक्यूज दिए गए हैं स्पेशल उसी चैप्टर से। तो आपको वो एमसीक्यूज लगाने हैं लास्ट में, पहले थ्योरी पढ़ो फिर एमसीक्यूज लगाओ। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, हमें बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंजन। इंजन क्या होता है, इंजन क्या कार्य करता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फर्स्टली एक कंबशन इंजन क्या करता है, केमिकल एनर्जी को फर्स्टली कन्वर्ट करता है हीट में, और हीट हीट कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसका सही आंसर वीडियो के लास्ट में। यदि आंतरिक दहन इंटरनल कंबशन इंजन में इनलेट वायु एयर का तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो इंजन की दक्षता में क्या उसमें फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए है सेम वही रहेगा, ऑप्शन बी कमी होगी डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी इंक्रीमेंट वृद्धि होगी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हम लास्ट वीडियो के लास्ट में एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए इंजन के प्रकार, इंजन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे मान के चले इंटरनल कम्बशन, कम्बशन के आधार पर इंटरनल कम्बशन होता है, एक एक्सटर्नल कम्बशन। इंटरनल कम्बशन में कम्बशन होता है जो सिलेंडर के अंदर होता है, कम्बशन चेंबर के अंदर होगा दहन, वो इंटरनल कम्बशन कहेगा कहला जाएगा। और एक्सटर्नल कम्बशन में क्या होता है कि जो कम्बशन चेंबर के बाहर का दहन है, जैसे आपने भाप वाले इंजन देखे होंगे उसमें क्या है कोयला अलग चेंबर में डाला जाता है, उसकी उससे क्या है वाटर को वेपराइज किया जाता है, उसके प्रेशर से इंजन चलता था, ठीक है। तो ये दो प्रकार के। और नेक्स्ट और कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ फ्यूल यूज। जैसे पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन में हम पेट्रोल का यूज करते हैं, पेट्रोल फ्यूल होता है, और डीजल इंजन में डीजल फ्यूल होता है, गैस इंजन में गैस का यूज किया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू साइकिल, किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ऑटो साइकिल होता है, ऑटो साइकिल किस सिद्धांत पे कार्य, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के सिद्धांत पे कार्य करता है। डीजल साइकिल इंजन क्या करता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर के सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर आता है नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल, फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक होता है वो टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के दो रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है फोर स्ट्रोक इंजन। फिर आता है टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि एक क्रैंकशाफ्ट के एक रोटेशन में कंप्लीट होता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन बाय, क्लासिफाइड बाय द बाय टाइप ऑफ इग्निशन, या तो उसमें स्पार्क इग्निशन होगा या कंबशन कंप्रेशन इग्निशन होगा, या तो वह स्पार्क प्लग के द्वारा इग्नाइट किया जाएगा फ्यूल उसका, या तो उसके अंदर जो गर्म गैस होती है कंप्रेशन के द्वारा हम वो ईंधन का दहन करते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ सिलेंडर, उसमें सिंगल सिलेंडर इंजन है या टू सिलेंडर इंजन है, फोर सिलेंडर, जैसे साइड में डायग्राम भी दिया गया है फोर सिलेंडर इंजन का, और वी टाइप का भी एक डायग्राम दिया है वी टाइप का इंजन। फिर आता है क्लासिफाइड बाय पिस्टन पोजीशन, पिस्टन की पोजीशन क्या है, इनलाइन इंजन, जो चार स्ट्रोक इंजन फोर सिलेंडर इंजन है इसके अंदर एक लाइन में है, एक लाइन में स्थित है, तो इसे इनलाइन इंजन बोलते हैं। और उसके साइड में है वी इंजन, अपोजिट इंजन, एक दूसरे के अपोजिट में वर्क करते हैं, रेडियल इंजन, चार प्रकार चार पिस्टन लगे होते हैं उसमें। फिर होता है क्लासिफाइड बाय कूलिंग सिस्टम, देखिए साइड के अंदर क्या लगा डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये वाटर कूल इंजन, उसमें रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर की सहायता से इंजन को कूलिंग किया जाता है। और सबसे टॉप में देखिए फिन लगे हुए हैं, जैसे मोटरसाइकिल की बाइक के नीचे फिन लगे होते हैं ना, पत्तियां सी बाहर निकली होती है, उसमें क्या होता है कि एयर टकरा कर जाती है तो एयर के टेम्परेचर पर वो डिपेंड करता है कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि वाटर कूलिंग इंजन है, वाटर कूलिंग सिस्टम है जो, वो एयर कूलिंग सिस्टम से कैसे बेहतर है, क्योंकि एयर कूलिंग सिस्टम होता है ना वो तो क्या है कि एनवायरनमेंट, जो बाहरी टेम्परेचर है ना एटमोसफेयर टेम्परेचर, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर बाहरी टेम्परेचर अगर 46 डिग्री सेल्सियस है तो वो एयर कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को हाई प्रेशर पर इंजेक्ट करता है डीजल इंजन में काम भेजता है। सिलेंडर, जो इंजन की बॉडी होती है वो एक सिलेंडर टाइप में होती है, ठीक है। और सिलेंडर हेड, जो सिलेंडर का सिलेंडर इंजन का जो ऊपर का हेड होता है, ऊपर का भाग होता है जिसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, इग्निशन वो फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है उसमें, तो वो उसे सिलेंडर हेड बोलते हैं। स्पार्क प्लग तो आपको बता ही दिया, स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है स्पार्किंग के लिए। फिर आता है कंबशन इंजन के दहन के लिए यूज किया जाता है स्पार्क प्लग। फिर आता है क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन का जो रेसिप्रोकेशन मोशन है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट उसी पावर को ट्रांसमिट करता है पीछे रेयर एक्सल की तरफ, पावर का ट्रांसमिशन करता है। फिर आता है क्रैंक केस, क्रैंक केस जो उसका बाहरी कवर होता है, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर बाहरी कवर लगा होता है, क्रैंक केस बोलते हैं उसको। फिर आता है कनेक्टिंग रोड, पिस्टन
और क्रैंकशाफ्ट के मध्य की जो रोड देखती है उसे कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। पोर्ट्स क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स काम में लिए जाते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, इनलेट, ट्रांसफर और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं, इसमें वॉल्व नहीं होते। फिर आता है कि पिस्टन, पिस्टन के बारे में आपको पता चल गया। पिस्टन क्या होता है, पिस्टन एक ऊपर का हेड होता है, जैसे साइड में डायग्राम दिया है, पिस्टन होता है। पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर के मध्य अवस्थित होता है पिस्टन, जो रेसिप्रोकल मोशन ऊपर नीचे की तरफ मोशन करता है, निरंतर मोशन, साइकिल में चलता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। फिर पिस्टन रिंग क्या होती है, पिस्टन रिंग तीन प्रकार की होती है। पहली होती है कंप्रेशन रिंग, फिर आती है सेकेंडरी कंप्रेशन रिंग, फिर तीसरी आती है कि ऑयल कंट्रोल रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब वर्किंग पढ़ते हैं, टू स्ट्रोक इंजन की वर्किंग। टू स्ट्रोक जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि टू स्ट्रोक में वो उसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। टू स्ट्रोक एक बार वो बीडीसी से टीडीसी जाएगा और नेक्स्ट स्ट्रोक में वो डाउनवर्ड आएगा, टीडीसी से बीडीसी। तो पहले स्ट्रोक में क्या होता है, पहले स्ट्रोक में वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा होता है। तो पहले स्ट्रोक में क्या होगा, पहले स्ट्रोक में साइड में डायग्राम देखिए, डायग्राम में दिया गया है कि इनलेट पोर्ट है वो ओपन हो गया है। उससे क्या होगा कि जो सडनली ऊपर गया है, अंदर के चेंबर में वैक्यूम क्रिएट होगी, बाहर का टेम्परेचर, बाहर का एटमोस्फेयर प्रेशर हाई है और अंदर का प्रेशर लो है, तो बाहर की एयर अंदर की ओर आएगी। तो हमारा जो एयर है वो सक्शन, एयर का सक्शन हो गया है इसके द्वारा। ठीक है, और जो ऊपर जाएगा, ऊपर जो एयर फ्यूल, एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, तो उससे कि उसके उसके अंदर क्या होगा कि ट्रांसफर पोर्ट, तो इसको पिस्टन ने ट्रांसफर पोर्ट को क्लोज कर दिया और एग्जॉस्ट पोर्ट को भी क्लोज कर दिया। तो पिस्टन क्या करेगा, कंप्रेस करेगा किसको, फ्यूल और एयर के मिक्सचर को। तो इसमें दो स्ट्रोक, हम दो स्टेप हम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, एक स्ट्रोक में सक्शन भी हो गया और कंप्रेशन भी हो गया। अब क्या होगा, कंप्रेशन के लास्ट एंड में क्या होगा, स्पार्क अपना काम करेगा, स्पार्क प्लग अपना काम करेगा और वो स्पार्किंग करेगा। तो उसके अंदर क्या होगा, पावर स्ट्रोक आएगा, जिसके अंदर जो बर्न गैसे है वो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा, तो पावर स्ट्रोक होगा और एग्जॉस्ट, क्योंकि क्योंकि हमारे नीचे एक फ्रेश मिक्सचर है हमारे पास, नीचे क्या है सक्शन हो चुका है, इसके अंदर एयर आ चुकी है, तो नीचे की ओर मूव करेगा, तो क्या एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा और इनलेट पोर्ट है, इनटेक पोर्ट है वो क्लोज हो जाएगा। उसके क्लोज होने के बाद में क्या होगा, नीचे से जो एयर फ्रेश एयर होगी वो ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा कहाँ जाएगी, कंबशन चेम्बर में, और वो क्या करेगी, धकेलेगी एग्जॉस्ट गैसों को बाहर की ओर धकेलेगी। इस तरह हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए स्क्वेंजिंग क्या होता है, स्क्वेंजिंग इन टू स्ट्रोक इंजन में जैसे डायग्राम देखिए साइड के अंदर, तो वो जो फ्रेश एयर है वो साइड से ट्रांसफर पोर्ट की सहायता से आती है और क्या करती है, धकेलती है एग्जॉस्ट गैसेज, जो जो बर्न गैसेज है उनको धकेलेगी ना, नए फिर नया सर्कल स्टार्ट होगा, नए चार्ज आएगा वहां पे, रिप्लेस कर देगा उसको, एग्जॉस्ट गैस को रिप्लेस करेगा, नया चार्ज, नया फ्यूल एयर का मिक्सचर उसको रिप्लेस कर देगा, इसको स्क्वेंजिंग कहते हैं इस मेथड को। फिर आता है फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन की प्रोसेस हम पूरी तरह पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे। पहला प्रोसेस के अंदर जैसे नाम से ही पता चलता है हमको, फोर स्ट्रोक इंजन चार स्ट्रोक लगते हैं इसमें, एक स्ट्रोक हर एक स्टेप का, एक एक स्ट्रोक होता है, ठीक है, इसके अंदर। और इसमें क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट के दो रेवोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर फोर स्ट्रोक इंजन अपना कंप्लीट करता है वर्किंग। पहले स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक होता है उसके अंदर क्या होता है, पहले स्ट्रोक में इनटेक देखिए, पहला स्ट्रोक में क्या है, टीडीसी से बीडीसी क्यों देगा, पहले स्ट्रोक इनटेक सक्शन के टाइम पे जो पोजीशन होती है उसकी क्या होती है, टीडीसी से टीडीसी पे होती है और वो बीडीसी की ओर जा रहा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो पिस्टन की मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी की ओर, जैसे लिखा भी हो साइड में, पिस्टन मूव डाउन टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी टू बीडीसी देगा। तो क्या होगा कि अचानक वो टीडीसी से बीडीसी जाएगा तो वैक्यूम क्रिएट होगी और उसी टाइम क्या होगी, कैम जो शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है वो क्या करेगी, इनलेट वॉल्व है उसको ओपन कर देगी। इनलेट वॉल्व ओपन होने के कारण बाहर का प्रेशर हाई है और अंदर का लो होगा, तो बाहर से एयर का इनटेक होगा किसमें, डीजल इंजन में, और कार्बोरेटर या तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन, कार्बोरेटर के द्वारा एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर वो स्प्रे करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इनलेट वॉल्व है वो तो ओपन हो गया, लेकिन एग्जॉस्ट वॉल्व है वो क्लोज रहेगा पहले सक्शन के अंदर, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होगा, जो पिस्टन के अंदर कंबशन चैम्बर में एयर फ्यूल का मिक्सचर आ चुका है, तो अब क्या होगा, पिस्टन की पोजीशन में बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा। ये हमें जरूर याद रखना है कि ये पोजीशन जरूर पूछे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर में पोजीशन पूछी जाती है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर पिस्टन की पोजीशन क्या होती है, वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा कंप्रेशन करने के लिए, ठीक है। और उस टाइम वॉल्व की पोजीशन पूछेगा, वॉल्व या खुला है इनलेट वॉल्व या एग्जॉस्ट वॉल्व खुला है, तो इसमें क्या कंप्रेशन क्या होता है, दोनों वॉल्व बंद हो गए तभी तो कंप्रेशन बनेगा, कंप्रेशन उसमें प्रेशर बनेगा, इंक्रीज होगा। तो अब देखिए कंप्रेशन के अंदर, कंप्रेशन का जब लास्ट होता है, जब एंडिंग होता है कंप्रेशन का, तब क्या करता है, स्पार्क प्लग अपना काम करता है और स्पार्किंग देता है और ईंधन का दहन होता है उसके अंदर, ईंधन जो आग पकड़ लेगा तो वो एक्सप्लोजन होगा उसके अंदर, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर में।
वो एक्सपेंड करेगा, गैसेस होगी वो एक्सपेंड करेगा, वो क्या करेगी पिस्टन के ऊपर दबाव डालेगी, वो पिस्टन मूव करेगा नीचे की ओर। तो तीसरा देखिए, तीसरा स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक द स्पार्क प्लग फायर एंड इग्नाइट द कंप्रेशन मिक्सचर, कंप्रेस्ड मिक्सचर एक्सप्लोजन फोर्स द पिस्टन बैक डाउन रोटेट द क्रैंकशाफ्ट एंड प्रोपेलिंग द व्हीकल फॉरवर्ड। तो उसको व्हीकल को आगे पीछे मूव करने में मदद मिलेगी, ठीक है, वो पावर को ट्रांसमिट करेगा पिस्टन। तो बोथ द इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज, पावर स्ट्रोक में दोनों वॉल्व क्लोज रहते हैं और कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वॉल्व क्लोज रहते हैं। फिर आता है एग्जॉस्ट वॉल्व, जब क्या होता है बीडीसी पे पहुंच गया, बीडीसी पे पहुंचने के बाद में टीडीसी की ओर मूव करेगा, जो एग्जॉस्ट की जो गैसेज होगी उनको क्या करेगा पिस्टन बाहर की ओर धकेलेगा। तो उस टाइम क्या होता है जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि इनलेट एग्जॉस्ट वॉल्व होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व वो ओपन होता है उस टाइम, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट के अंदर इसके अंदर कुछ कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, पिस्टन और पिस्टन रिंग, ठीक है। पिस्टन पहली बात आते हैं, पिस्टन किस धातु से बना होता है, कम कार्बन स्टील या एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना होता है पिस्टन, ठीक है। जैसे कि हमने साइड में डायग्राम देख रहे हैं, पिस्टन के ऊपर तीन रिंग लगी होती है, कंप्रेशन रिंग होती है, सेकेंडरी कंप्रेशन रिंग होती है और तीसरी होती है ऑयल रिंग, ठीक है। और इसके अंदर देखिए पिस्टन क्राउन, पिस्टन क्राउन क्या होता है कि सबसे ऊपर टॉप का जहां का टेम्परेचर, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि पिस्टन का कौन सा भाग है जहां पे सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है, पिस्टन क्राउन होता है जहां का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, ठीक है। और उसमें गजन पिन भी होती है, गजन पिन होती है और कनेक्टिंग रोड होती है, उसका ऊपर का सिरा जो पिस्टन से जुड़ा होता है वो सिरा पतला होता है और नीचे का जो क्रैंक पिन से जुड़ा होता है वो सिरा मोटा होता है और उसमें सेल बेयरिंग होता है, ठीक है। अब ये तो पढ़ लिया हमने पिस्टन के और पिस्टन रिंग के बारे में, फिर बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कुछ बातें भी। ये देखिए ये आप पढ़ लेना नीचे, क्लियरेंस भी दिया जाता है। पिस्टन रिंग होती है ना, पिस्टन रिंग होती है उसमें क्या होती है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑयल होता है तो ऑयल क्या करता है कि पतली सी लेयर सिलेंडर के और पिस्टन के मध्य पतली सी लेयर को बनाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन को कम करता है, पिस्टन और सिलेंडर की वॉल के बीच में फ्रिक्शन होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, क्रैंक शाफ्ट 6000 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से रोटेट करती है, ठीक है। और क्रैंक शाफ्ट किसकी बनी होती है, कच्चा लोहा निकल क्रोम मिश्र धातु से बनी होती है। और क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है, इंजन से आउटपुट जो पावर का आउटपुट हो रहा है इंजन से उसको क्रैंक शाफ्ट क्या करती है रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है और उसको क्या करती है पहियों और उसके जो बीच के जो कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे बीच के कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं, फ्लाई व्हील क्लच हो गया, गेयर बॉक्स हो गया, ठीक है, और प्रोपेलर शाफ्ट हो गई और डिफरेंशियल हो गया, उनकी सहायता से रेयर एक्सल व्हील को प्रोवाइड करती है वो पावर को, ठीक है। अब देखिए मेन जनरल हो गई, इसके अंदर रोलर बेयरिंग भी काम आता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है दोनों साइड के अंदर क्रैंक शाफ्ट को, और बीच में शेल बेयरिंग भी आता है इसके अंदर, ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट क्या होती है, कैम शाफ्ट ड्रिवन होती है, किसकी ड्राइविंग कौन करता है इसको, इसको क्रैंक शाफ्ट ड्राइविंग करता है इसको, इसमें टाइमिंग चेन लगी होती है, टाइमिंग चेन इस हिसाब से व्यवस्थित होती है जिससे जो उनके अंदर जैसे मान लीजिए टीडीसी पे है पिस्टन, तो जब उस टाइम कौन सा वॉल्व ओपन होना चाहिए, टीडीसी पे तो इनलेट वॉल्व ओपन होना चाहिए, तो उसमें कैम लोब लगे होते हैं उसमें, ठीक है, उभरी हुई आकृति होती है वो क्या करते हैं जो वॉल्व की लिफ्ट वॉल्व को लिफ्ट करती है ऊपर की तरफ, तो इस हिसाब से वर्क करता है ये, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, वॉल्व क्लियरेंस का उद्देश्य क्या होता है, वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य क्या होता है, पहला ऑप्शन है वाल्व को विस्तार करना वाल्व का विस्तार करना और गाइड में वाल्व की स्लाइडिंग की अनुमति, ऑप्शन सी सुनिश्चित करें कि वाल्व पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सुनिश्चित करें कि क्रैंकशाफ्ट घूमने के लिए स्वतंत्र है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें क्या हमें एक चीज याद रखनी है कि इनलेट वाल्व होता है ना उसका साइज हमेशा एग्जॉस्ट वाल्व है उससे बड़ा रखा जाता है, क्योंकि वो आसानी से उसे जो एयर इनटेक करना है या फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर इनटेक करना है तो आसानी से कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक ईंधन पंप, ईंधन पंप दो प्रकार के होते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल होगा ये वो फ्यूल टैंक से पर उठाएगा ईंधन को, या तो इलेक्ट्रिकल टाइप होगा या तो वो मैकेनिकल टाइप होगा, कैम लोब के द्वारा मैकेनिकल ऐसे वर्क करता है डायग्राम में दिया भी गया है। फिर नेक्स्ट आता है रेडिएटर, रेडिएटर के साइड में क्या लगा होता है कि रेडिएटर एक ऐसी युक्ति है जो काम क्या करती है इंजन को कूल करती है, इंजन के टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है इंजन का टेम्परेचर होता है उसको कूल करती है रेडिएटर, ठीक है। रेडिएटर साइड में देखो एक बॉक्स लगा हुआ है जो क्या है रिजर्वर होता है, वाटर का रिजर्वर होता है, उसमें पानी होता है, और जो इसके अंदर रेडिएटर में क्या लगा होता है पतली पतली
पाइपें होती है, जितना सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा सरफेस एरिया से एयर टकराएगी उतनी जल्दी ये ठंडा होगा। तो इसीलिए इसमें पतले पतले पाइपें होती है बारीक, जिनके अंदर से क्या था वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है अंदर। और सबसे ऊपर यहाँ पे लास्ट में क्या लगा था, थर्मोस्टेट वॉल्व होता है जो 80 या 85 डिग्री सेल्सियस पर वो ओपन होता है। उसमें एक लिक्विड होता है वो पिघल जाता है 85 टेम्परेचर से ऊपर, अब होता है इंजन का टेम्परेचर, तो वो क्या करता है परमिट कर परमिशन देता है वाटर के सर्कुलेशन में। तो इंजन हेड के ऊपर जहाँ का टेम्परेचर सबसे हाई होता है उधर क्या करते हैं कि वाटर का सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम बन जाता है रेडिएटर का। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कार्बोरेटर का क्या यूज होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसको, लीन मिक्सचर होगा या रिच मिक्सचर होगा वो हम किसके द्वारा यूज करते हैं, कार्बोरेटर यूज करते हैं पेट्रोल इंजन में। कंडेंसर या संधारित्र जो एकत्रित करके पावर को, जस्ट स्पार्क प्लग होगा, स्पार्क प्लग में ऐसे तो है नहीं कि एक साथ ही वो बैटरी की क्षमता होती है कि वो एक साथ में सारी स्पार्क की बहुत हाई वोल्टेज होता है ना, तो कंडेंसर क्या होता है उसको एकत्रित करता है वो वोल्टेज को एकत्रित करता है और एकदम स्पार्कल जैसे हम सेल्फ मारते हैं तो वो एकदम स्टार्ट करता है उस बाइक को, ठीक है। फिर आता है फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील क्या करता है, फ्लाई व्हील कहाँ पे लगा होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है कि इंजन के जो क्रैंक शाफ्ट है उसके एंड में एक साइड में फ्लाई व्हील लगा होता है, दूसरी साइड में तो टाइमिंग चेन लगी होती है। और फिर शाफ्ट, शाफ्ट क्या करते हैं गियर बॉक्स से डिफरेंशियल के बीच के जो ट्रांसमिशन होता है वो प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा होता है। डिफरेंशियल क्या करता है जो प्रोपेलर शाफ्ट जो रोटेशन के द्वारा हमें पावर प्रोवाइड करता है उसको क्या 90 डिग्री पर रेयर एक्सल व्हील को प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आता है चोक वॉल्व, कार्बोरेटर के अंदर क्या होता है चोक वॉल्व होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं सर्दियों में जैसे चोक रिच मिक्सचर प्रोवाइड करना है तो चोक को हम चोक लगाते हैं, जैसे चोक को लगाते हैं बोलते हैं ना, तो उस टाइप से चोक वॉल्व काम करता है। क्लच का काम करता है, क्लच क्या करता है पावर का एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करता है रेयर एक्सल और इंजन के मध्य के जो होता है पावर ट्रांसमिट को उसको एंगेज करता है डिसएंगेज भी करता है। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो क्या करता है कि विद्युत का जनित्र मतलब जो बैटरी को चार्ज करना रहता है तब चार्ज करते रहना आप डायनेमो का काम होता है। ब्रेक शू का काम क्या है, ब्रेक शू क्या करता है ब्रेकिंग, जैसे हम ब्रेक पैड पे ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक ड्रम के साथ में चिपक जाता है ब्रेक शू और ब्रेक अप्लाई हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन ए टू स्ट्रोक इंजन आइडेंटिफाई बाय, टू स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जा सकती है। पिस्टन के आकार, पिस्टन का आकार तो दोनों में सेम ही होता है। दूसरा है कि वॉल्व की अनुपस्थिति, जैसे कि हमें पता है टू स्ट्रोक इंजन में हम क्या यूज करते हैं पोर्ट्स होते हैं, इसमें इनलेट पोर्ट होता है या और एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन में वॉल्व्स का यूज किया जाता है, तो टू स्ट्रोक इंजन में वॉल्व्स की अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस ऑफ वॉल्व्स। तीसरा ऑप्शन है कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली। चौथा ऑप्शन है लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम भी काम में नहीं जाता है दोनों में। अब एक बात आती है टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे काम में नहीं जाता है, हम देखा होगा पुराने जमाने के जो स्कूटर होते हैं उसमें क्या करते थे, हम ईंधन के अंदर ही एक पुड़ी आती थी ऑयल की, उसको मिक्स करते थे निश्चित मात्रा में, एक पुड़ी या दो पुड़ी, जिससे क्या होता है कि जो जो अंदर के कंपोनेंट था वो उनमें फ्रिक्शन होकर घसन आ जाए, इसलिए हम यूज करते थे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट देखिए टू स्ट्रोक इंजन की पहचान वॉल्वो की अनुपस्थिति से होती है। लगभग सभी टू स्ट्रोक इंजनों में वॉल्व नहीं होते, यह टू स्ट्रोक इंजन को बनाए और बनाए रखने के लिए आसान है, बनाए रखने के लिए आसान है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए टू स्ट्रोक इंजन, की एक एडवांटेज नहीं है, उसका लाभ नहीं है टू स्ट्रोक इंजन का। पहला ऑप्शन है वॉल्व नहीं, वॉल्व हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, उसके पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर आता है लाइटर फ्लाई व्हील, लाइटर फ्लाई व्हील होता है उसमें झटके आते हैं ना, टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है उसमें आपने देखा होगा नॉइस भी करता है और झटके शॉकिंग भी होता है, तो उसकी वजह से वो बैलेंस नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से हेल्प क्या होता है यूनिफॉर्म जो हमारा प्रोडक्शन है पावर का वो होता रहता है, मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, नो लुब्रिकेशन सिस्टम, ये करता है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। हल्का चक्का फ्लाई व्हील हल्का होता है, ठीक है। अधिक अधिक समान टॉर्क उत्पन्न करता है, लेकिन जहां पे अधिक टॉर्क की आवश्यकता है टू स्ट्रोक अधिक प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फोर स्ट्रोक इंजन के समान आकार का टू स्ट्रोक इंजन समान गति से किसी शक्ति कितना शक्ति विकसित करेगा, तो आपको पता ही है कि टू स्ट्रोक इंजन है वो फोर स्ट्रोक इंजन के मुकाबले दो गुना शक्ति का करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि फोर स्ट्रोक इंजन में टू क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन पे एक पावर स्ट्रोक मिलता है, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रैंकशाफ्ट के एक रोटेशन पे हमें कितना एक पावर स्ट्रोक मिलता है, अगर वो दो रोटेशन करेगा क्रैंकशाफ्ट तो दो पावर स्ट्रोक मिलेगा, तो दोगुनी पावर जनरेट करेगा टू स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट आता है, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का उपयोग किया जाए तो क्या होगी, कम पावर का उत्पादन किया जाएगा, दक्षता कम होगी या उच्च नोकिंग होगी,
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, उच्च नॉकिंग। वो नॉकिंग करेगा, इंजन फट भी सकता है यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए तो, उच्च नॉकिंग होगी उसमें, काला धुआं उत्पन्न करेगा। ये तो डीजल इंजन की खासियत है। फिर नेक्स्ट आता है कि ए पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ड्रॉ, एक पेट्रोल इंजन सक्शन स्ट्रोक के दौरान खींचता है, क्या खींचता है? पेट्रोल इंजन क्या खींचता है? केवल हवा? नहीं, केवल पेट्रोल, केवल पेट्रोल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन क्या कहते हैं? पेट्रोल और वायु का मिश्रण कार्बोरेटर प्रोवाइड कराता है ना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हमें कुछ टॉप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखना है। संपीड़न के कंप्रेशन के दौरान, कंप्रेशन के अंत में, मतलब कंप्रेशन जो स्ट्रोक होता है उसके अंत में पेट्रोल इंजन में दाब कितना 10 बार का होता है, और वही डीजल इंजन में कितना था? 35 बार का। और एक पेट्रोल इंजन का संपीड़न कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? 10:1 बोल लो, या फिर वहां पे आपको 8:13:1 के बीच में मिलता है, तो वो करेक्ट आंसर होगा। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? 20:1, 15:23 के मध्य मिलेगा, तो वो करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में क्या आता है कि ईंधन, ईंधन ऑटो इग्निशन तापमान क्या होता है कि जब मान लो अगर बाहर की एटमोसफियर टेम्परेचर 280 डिग्री हो जाए, तो सबसे पहले कौन सा ईंधन जलेगा? वो डीजल जलेगा। क्यों जलेगा सबसे पहले? क्योंकि वो 210 डिग्री सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है। अब वही बात कि 200, इसको जल्दी जल्दी जलता है। और क्या है इसमें, क्या जो ठंडा एक प्लेस होता है, मान ली मान्य 60 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसके अंदर सबसे जल्दी आग कौन पकड़ेगा? पेट्रोल पकड़ेगा। ये उल्टा होता है इसका, ठीक है। टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के एक स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूमता है, और टू स्ट्रोक में कितना घूमता है? 360 डिग्री, ठीक है। यांत्रिकी दक्षता कम होती है, टू स्ट्रोक इंजन की यांत्रिक दक्षता कम होती है, लेकिन उसमें पावर ज्यादा। क्यों पावर ज्यादा होती है आपको बताया भी था, क्योंकि लाइट फ्लाई व्हील का यूज करते हैं, और साथ में इसमें क्या होता है, दो क्रैंकशाफ्ट के एक रेवोल्यूशन में इसको एक पावर स्ट्रोक मिलता है, ठीक है। पावर स्ट्रोक आउटपुट इसका, वैसे ओवरऑल आउटपुट देखा जाए तो ओवरऑल आउटपुट कम होता है। और क्या चीज याद रखें कि पेट्रोल इंजन में 20% ईंधन होती है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप मान के चलिए कभी ऐसा नहीं होता कि ईंधन को हमने बर्न किया और उसकी 100% हमने एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में, ऐसा कभी नहीं होता। उसके 20% या इतना ही, अभी तो 30% इतना ही कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो उसमें से भी 5% ये होता है कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन के कारण वो हमें लॉस होता है उसके अंदर, ठीक है। 15% ही हम रेयर एक्सल को व्हील्स को प्रोवाइड करा पाते हैं। नेक्स्ट, यदि आंतरिक दहन इनलेट में इनलेट वायु का तापमान बढ़ जाए तो इसकी दक्षता क्या होगी? हमने वीडियो के शुरू में हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसके अंदर क्या होगा? इसका सही आंसर होगी उसकी दक्षता। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी दक्षता कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इनलेट के अंदर क्या होते हैं, जब सक्शन करेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इनलेट के अंदर क्या होता है कि जब सक्शन करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसकी सांद्रता ऑक्सीजन की कम होती है। अगर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी तो फ्यूल कम बर्न होगा, फ्यूल को बर्निंग में मतलब प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी तो दूसरी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम टॉप मतलब जो एमसीक्यू था आज, जो टेलीग्राम ग्रुप पर जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड की है आपको, तो उसके कुछ क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए एमसीक्यू जो उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर निम्न में से क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति प्राप्त की जाती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है, डीजल इंजन प्रकार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल कंबशन होता है ना डीजल इंजन में। फिर आता है कि इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है वही ऊपर वाला क्वेश्चन का उल्टा हो गया, डीजल इंजन इसमें करेक्ट आंसर है। फिर एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है, ईंधन स्थान का कैसा होता है? गोल गोल होता है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बहुत कम। एक्सटर्नल में तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। इंटरनल कंबशन कब स्टार्ट होता है? तुरंत स्टार्ट होता है, चाबी घुमाई इंटरनल कंबशन इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में तो कोयला डालो फिर धीरे धीरे वो गर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? पेट्रोल इसका सही आंसर होगा, पेट्रोल इंजन में हम स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंडर में ऊपरी सतह, ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या कहलाती है? ऊपरी सतह तो हम टीडीसी बोलते हैं, निचली सीमा को हम बीडीसी बोलते हैं। निम्न में से किस क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? साइकिल, उसको साइकिलिंग कहते हैं, एक ही रिपीट होना, उसको बार बार रिपीट होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन आता है, वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन का
कंबशन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है, इंटरनल कंबशन इंजन का था, आईसी इंजन बोलते हैं उसको, ठीक है। पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में कहाँ होती है, कहाँ होती है, ऊपर की तरफ होती है, हाँ ऊपर की तरफ होती है, बीडीसी और टीडीसी की ओर होती है, तो ऑप्शन नीचे की तरफ होती है, ऑप्शन ए और बी, ए और बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। निम्न में से कौन सा आईसी इंजन नहीं है, इसका देख लीजिए, गर्म वायु इंजन, यह आईसी इंजन नहीं है, ठीक है। गैस के फैलाव पर पिस्टन की दिशा होती है, गैस जब फैलती है तो वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, मतलब टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा ना वो। निम्न में से किस प्रकार से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर चार्ज के लिए, पावर स्ट्रोक के लिए, ताजी ताजा ईंधन आने व जली हुई गैस को बाहर निकालने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं, टीडीसी बोलते हैं इसको। निम्न में से बाह्य एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है, एल्कोहल इंजन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है, वाल्व लीड बोलते हैं इसको, ठीक है। और आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभदायक है, ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, और यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट हो जाता है, ये सभी, ये अधिक कॉम्पैक्ट होता है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशर प्रेशर कितना होता है, इसका कंप्रेशन प्रेशर होता है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, सही आंसर है इसका। निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जलता है, मतलब कितना जलता है, इसका सही आंसर होगा 300 से 350 डिग्री। नेक्स्ट आता है कि उसके अंदर इंजन के अंदर, ठीक है, 300 से 350 के अंदर वो जलता है, ठीक है। डीजल इंजन में कंप्रेशन कंप्रेशन के बाद कंबशन चेंबर का ताप निम्न कितना होता है, 600 से 800 डिग्री होता है इसका टेम्परेचर कंबशन इंजन में। फिर आते हैं पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा ज्वलित किया जाता है, स्पार्क प्लग के द्वारा ज्वलित किया जाता है। डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है, डीजल इंजन में किसके द्वारा होता है, कि जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसके दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से डीजल इंजन में ईंधन का दहन किया जाता है। निम्न में से कौन सा डीजल और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है, पहला है सिलेंडर की संख्या, नहीं सिलेंडर की संख्या तो कितनी भी हो चाहिए, ईंधन जलने में, ईंधन जलने में ये होता है ईंधन जलने में, क्योंकि जो पेट्रोल इंजन है उसमें हम स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं और उसमें डीजल इंजन में हम संपीड़ित वायु का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं आज की क्लास में, हम ज्यादा वीडियो भी ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हमारे परिवार का सदस्य बनना है, एग्जाम वास्तु चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, बीआरओ रिलेटेड न्यूज नोटिफिकेशन सभी प्रोवाइड की जाती है। तो आपको दुर्भाग्य की बात होगी अगर आप ज्वाइन नहीं करते, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ पे हमने एमसीक्यूज हर संडे को 50 MCQs आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, हम टेस्ट लेते हैं हर संडे को। तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत ही सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना है। और आप बोलोगे सर टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको जाके क्लिक करो और ज्वाइन हो तुरंत। धन्यवाद, जय हिंद।